देखते हैं HFCL में लिंक कैसे बनाते हो, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि UBR की ज़रूरत क्यों है, UBR की ज़रूरत किस जगह रहती है। जैसे क्या है कि मुझे कस्टमर को डिलीवरी देना है, जैसे OSC साइट चलाना है, ESC चलाना है, ठीक है, या तो मैं देखो डायरेक्ट फाइबर कनेक्ट कर सकता हूँ, इस तरह से फाइबर कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या रहता है, फाइबर की कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है कंपनी को, ठीक है। और ये क्या है, UBR एज़ कम्पेयर टू फाइबर कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, कम कॉस्ट पड़ती है और डिप्लॉयमेंट भी इजी रहता है। ठीक है, तो देखो इजी कैसे रहता है, देखा जाए तो डायरेक्ट अपने को एक एक एंड UBR का एक एंड अपने को टावर एंड पे लगाना है, एक पेयर, और एक डिवाइस अपने को कस्टमर एंड पे लगाना है और जस्ट लिंक बनाना है। ठीक है, हाँ, तो पहले तो UBR का ये बता दूँ कि जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो UBR रहता है वो क्या रहता है, मास्टर मोड में रहता है। और जैसे अभी मैं सिर्फ HFCL UBR की बात कर रहा हूँ, ठीक है, HFCL UBR बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो मोड रहता है वो मास्टर रहता है, और जो जिससे लॉगिन होता है जिस IP से वो रहता है 192.168.1.1 बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, जैसे अपन ने दोनों तरफ लगा दिए, ठीक है, तो दोनों तरफ उसका IP क्या रहेगा, 192.168.1.1। और तो अभी अपन जैसे कस्टमर से मान लो कर रहे हैं, हमेशा याद रखना कि अपने को मास्टर डिवाइस जो बनाना है वो इनोड वी एंड का बनाना है। ऐसा नहीं है कि अपन कस्टमर एंड पे मास्टर बना के नहीं चला सकते, चला सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब अपने को फ्रिक्वेंसी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ पैरामीटर चेंज करना पड़ते हैं ना रहते हैं, तो उस वो चेंजेस अपन कर सकते हैं मास्टर डिवाइस से। जैसे तुम देखो कि यदि लॉगिन करके तो जो फ्रिक्वेंसी चेंज करने का ऑप्शन आएगा वो मास्टर डिवाइस पर रहता है, यदि स्लेव पे देखोगे तो ऑटो पे रहता है। ठीक है, अभी अपन पहले तो अपन जैसे मान लो तुमने कस्टमर डिवाइस लॉगिन किया, अभी 1.1 पे, दोनों 1.1 पे अभी लिंक बना नहीं है, ठीक है, 1.1 से लॉगिन किया, पहले सबसे पहले एक काम करना है, सबसे पहले जाके IP चेंज करो। सबसे पहले IP चेंज करेंगे 1.2, अपन 1.2 IP जैसे ही सेट करोगे, ठीक है, अब दोनों तरफ का IP चेंज हो गया, क्योंकि यदि तुम 1.1 का बना के और फिर लिंक बनाते तो दोनों तरफ सेम IP हो जाता, तो IP कॉन्फ्लिक्ट होता, तो जब तुम 1.1 से एक्सेस करने की कोशिश करते तो कभी ये वाला UBR लॉगिन हो जाता, कभी ये वाला, ये इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होता, नेटवर्क स्टेबिलिटी नहीं रहती, उससे वो प्रॉब्लम भी आती है। ठीक है, तो अभी तुमने वन डॉट अपने को सबसे पहले IP चेंज करना है, 1.2 करना है, फिर उसके बाद में उसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद में अपने को 1.2 से इस UBR को लॉगिन करेंगे, क्योंकि अभी अपने IP चेंज कर दिया है, 1.2 से लॉगिन हो, 1.2 से लॉगिन करने के बाद में उस रेडियो को बनाना है अपने को स्लेव, और स्लेव बना के उसमें नीचे ऑप्शन आता है मेक एड्रेस का, तो अपन या तो डायरेक्ट अपने को पता है ये मेक एड्रेस है तो ये अपन उसमें फिल करके सेव कर सकते हैं, या फिर अपने को स्कैन रेडियो, 5G रेडियो का ऑप्शन आता है उस पर बटन पे क्लिक करके भी स्कैन करेंगे तो अपने को स्कैन लिस्ट में ये मेक मिलेगा, उसको अपने को ज्वाइन करना है एंड जस्ट सेव करना है। इस इतना करने के बाद क्या होता है, लिंक बन जाएगी, लिंक बनते ही उसको इस तरह से तुम कंसिडर कर सकते हो कि ये चीज़ तुम्हारी इस तरह से कनेक्ट हो गई है। ठीक है, मतलब कि इतना करने के बाद में यदि तुम कस्टमर पे इतना करने के बाद मतलब तुम कस्टमर पे केबल कनेक्ट भी कर दोगे तो तुम्हारी सर्विसेज चलने लग जाएगी। मतलब कि ऐसा मान लो कि ये केबल ऐसी कनेक्ट हो गई, लिंक बन गया, मीन्स क्या हो गया, ये आपस में कनेक्ट हो गए तो ये डाटा ट्रांसफ़र करने लग जाएंगे आपस में। ठीक है, अब जैसे कुछ चेंजेस आते हैं, यदि मेरे को कुछ चेंजेस करना है, मैं एक्सेस कैसे कर पाऊँगा इस UBR को, तो उसके लिए अपन इस पर IP कॉन्फिगर करेंगे, जिससे अपन इस डिवाइस को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, पहले IPv6 चेंज कर लेंगे, पहले उसका चाहो तो IPv6 पहले चेंज कर लो या वेलेंट टेक कर लो, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, पहले अपन IPv6 कॉन्फिगर करेंगे, फिर वेलेंट टेक करेंगे। वेलेंट टेक करते ही क्या होगा कि जो अपन UBR एक्सेस कर रहे थे वो 1.1 और 1.2 से, ठीक है, वो अपन इस IP से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, अब वो स्विच हो जाएगा अपीपा की IP पे, मतलब जो मास्टर डिवाइस है वो अपने को एक्सेस होगा 168.254.10.10 से,
और स्ले होगा 169 254 10.11 से। इतना करने के बाद क्या करना है तुमको, जो भी रिकमेंडेड पावर और फ्रिक्वेंसी है वो तुमको सेट करना है UBR पे, और जो भी रिक्वायर्ड RSL लेवल है उसको अचीव करना है। और किस कभी कभी तुम देखोगे कि रिकमेंडेड पावर और फ्रिक्वेंसी सेट करने पे भी MCS वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी या डिग्रेड होगी, तो उस केस में क्या करना है तुमको, एक चैनल इंटरफेरेंस देखना है। चैनल इंटरफेरेंस में जिस भी फ्रिक्वेंसी पे लोड कम होगा वो फ्रिक्वेंसी अपने को सेट करना है। उससे क्या होगा, उसको सेट करते तुम देखोगे कि जो तुम्हारा MCS वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही थी या डिग्रेड हो रही थी वो स्टेबल हो जाएगी और मैक्सिमम पे सेट रहेगी। ठीक है, अब अपन इन सबको एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। सबसे पहले अपन लैपटॉप का IP चेंज करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था पहले 192.168.1.1 वाले से एक्सेस होगा तो वो अपने को IP कॉन्फ़िगर करना रहता है। लेकिन मैं क्या करूँगा, इस पर दोनों IP कॉन्फ़िगर करूँगा मेरे नेटवर्क इंटरफेस पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे 585 VLAN टेक करने के बाद मुझे IP चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखो मैं 169.254.10 वाला IP मैंने ऐड कर दिया, अब मैं ऐड एक और IP कर देता हूँ 192.168.1.10 वाला। ठीक है, देखो दोनों IP दिख रहे हैं। ठीक है, सेव कर देते हैं। अब अभी फैक्ट्री मोड में तो अपना UBR 192.168.1.1 से लॉगिन हो जाएगा अपने को। UBR लॉगिन हो गया, डिफ़ॉल्ट ID पासवर्ड पता ही है आपको, एडमिन HFCL1। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले जाके नेटवर्क में जाके एडिट करेंगे, स्टैटिक सिलेक्ट करके स्विच प्रोटोकॉल 1.2 करेंगे IP। ठीक है, सेव कर दो। अब 1.2 सेव कर दिया अपन ने, तो 1.1 वाला IP उस पर सेट गया है। अब 1.2 से उस वीडियो को अपन एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये 1.2 से एक्सेस हो गया अपने को। सेम ID पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, फिर से कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, TDM में जाएंगे, अब लिंक बनाएंगे अपन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मास्टर पर था, अपन स्लेव करके स्कैन 5G रेडियो करेंगे। अब सामने वाला जो UBR का मेक है वो अपने को यहाँ स्कैन लिस्ट में दिखेगा। मेरे पास ऑलरेडी वहाँ सामने वाले UBR का मेक है, तो मैं चाहता हूँ मैं डायरेक्टली पेस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, देखो मुझे ये मेक दिख रहा है, मैं ज्वाइन करूँगा जैसे ही, तो वो मेक मुझे वहाँ पे फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ यहाँ पे, और कॉपी पेस्ट करके जैसे ही सेव करूँगा उसके बाद में थोड़ा सा टाइम लेगा और लिंक स्टेबलाइज हो जाएगा। ये देखो, देखो लिंक बन गया है। अभी इधर देख पा रहे हो आप, एक जगह 1.2 है और 1.1 है। 1.2 अपन ने लॉगिन कर रखा, 1.1 को भी अपन लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, वन भी एक्सेस कर पा रहे हैं अपन। अब क्या है, अपन यहाँ से दोनों UBR एक्सेस कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ID पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाके नेटवर्क में जाके अपन IP चेंज कर लेते हैं। मैंने बताया था अपने को क्या डालना है, IP6। इतना कन ऐसे लिंक बनने के बाद अपन लिंक थ्रू भी कर देंगे तो काम करेगा, लेकिन ये
रीचेबिलिटी के लिए, ठीक है। ये मेरा आईपी डाल देता हूँ और गेटवे में हमेशा 3 रहेगा, सेव करते हैं। ठीक है, एक रेडियो पे IPv6 दिखा रहा है और एक पे लोकल IPv4 दिखा रहा है, ठीक है। अपन यहाँ पे भी अपन IPv6 कॉन्फ़िगर कर देते हैं। यहाँ पे भी IP डाल देते हैं, इसको IP सेट कर देते हैं और गेटवे 3 रहेगा, ठीक, सेव करते हैं। तो अपने को दोनों IPv6 दिख रहे हैं, ठीक है। मुझे विलेन टेक करना है तो मैं विलेन सेटिंग्स में जाऊंगा दोनों UBR पे, और जो आप देख रहे हैं डिसेबल ऑप्शन आ रहा है उसको इनेबल करेंगे और विलेन आईडी में अपन सर कर देंगे 585 और सेव कर देंगे। देखो दोनों जगह सेव कर दिया अपन ने, ठीक है। दोनों जगह सेव करने के बाद में अपने को ये UBR किस IP से रीचेबल रहेंगे, अपने को 16.24, 10.10 और 10.11 से। जैसे देखो ये 10.11 अपना मास्टर, सॉरी स्लेव है, ये लॉगिन हो गया और ये दोनों रीचेबल है अपने को। ये देखो अपन 10.10 और 10.11 दोनों को एक्सेस कर पा रहे हैं, 10.10 और 10.11 दोनों को एक्सेस कर पा रहे हैं। वही सेम आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। देखो यदि देखो अभी दोनों UBR लॉगिन कर रहे हैं तो अपने को IPv6 भी दिख रहे हैं दोनों के। अब अपन दोनों पे फ्रीक्वेंसी और पावर सेट कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अभी पावर 27 पे मैक्सिमम पे सेट रहता है, ठीक। उसके पहले अपन DFS इनेबल करेंगे दोनों जगह, इनेबल करके कंफर्म चेंजिंग DFS पे क्लिक करेंगे और ओके। ये मैंने यहाँ पे भी DFS इनेबल करके कंफर्म चेंजिंग DFS इनेबल। हाँ अभी LB में देख लेते हैं अपन। पहले तो LB में अपन साइट, जिस साइट पे काम कर रहे हैं उस साइट को सर्च कर लेते हैं। उस पे देखो अपने को पावर और फ्रीक्वेंसी कितनी दिखा रहा है, 3 की पावर 57 फ्रीक्वेंसी और 45 का RSL रिक्वायर्ड है। इधर सेव नहीं हुआ था क्या, ठीक है। कंफर्म चेंजिंग DFS पे क्लिक हो गया से। ठीक है 3 का पावर कर देंगे। वो कितना देखा था अपन ने, 3 का पावर 57 फ्रिक्वेंसी। सत्तावन सत्तर फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट कर लेंगे, 3 का पावर। सेव कर देंगे। इस जगह इधर जो स्लेव डिवाइस रहेगा वहाँ पे ऑटो पे रहेगा फ्रीक्वेंसी, पावर चेंज करना बस, ठीक है। इसको ही सेव कर देते हैं।
अभी एक बार लिंक ब्रेक होकर वापस बनता है। देखो इधर अभी प्रॉब्लम क्या है, एक तो एमसी आरएसएल अपने को कितना दिख रहा है, 55-56 का, एम सी एस को ठीक करने के लिए अपन क्या देखते हैं, चैनल इंटरफेरेंस देखते हैं। जैसे यदि आरएसएल भी बड़ा हुआ रहता है तो एम सी एस आपका फ्लक्चुएट होगा ही, ठीक है। देखो अभी अपन ने चैनल 154 सेलेक्ट कर रखा है, और अभी अपने को दोनों तरफ का देखना पड़ेगा कि दोनों तरफ किस चैनल पे लोड कम है, ठीक है। तो दोनों तरफ अपन मॉनिटरिंग रियल टाइम ग्राफ में चैनल इंटरफेरेंस में देखेंगे। देखो अपना 154 पे 37 दिख रहा है, और यहाँ मिनिमम मतलब अपने को 172 पे देखो सबसे कम लोड दिख रहा है दोनों पे, यदि कंपेयर करो दोनों में देखोगे तो, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, मास्टर डिवाइस जो है, मास्टर अपन इनोड पे इसलिए बनाते हैं क्योंकि मास्टर को, मास्टर अपना डायरेक्टली कनेक्ट रहेगा इनोड भी से और राउटर से, और उसको कंट्रोल करना इजी रहेगा क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। अपन ने क्या देखा, अभी देखो एएमसीएस अपना 4-6 का है, और एएमसीएस अपना 4-6-5-5 आ रहा है, देखो फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। और आरएसएल भी 52 का है, और अपने को चैनल कौन सा सिलेक्ट करना है, 172 अपन ने देख लिया है, ठीक है। अभी मैं आरएसएल करवा लेता हूँ पहले, थोड़ा सा सिग्नल नॉइस में जाकर अपन देखते हैं। आरएसएल 52 का है, ठीक है। अलाइनमेंट करवा लेते पहले, ठीक है। अलाइनमेंट करवाने से भी अपना एमसीएस वैल्यू सुधर जाता है। देखो अभी आरएसएल करवाया तो, अलाइनमेंट करवाया तो कितना हो गया है, 43-42 का आरएसएल हो गया है, 46 पे गया है, फिर 44 पे, ठीक है। अभी 44 पे स्टिल अपना एमसीएस कितना रह रहा है, 9 और 6 का रह रहा है। इसका मतलब ये है कि अपने को फ्रीक्वेंसी चेंज करने की ज़रूरत है। अभी जो फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है उस पर इंटरफेरेंस ज़्यादा है, अपन ने देखा था उस पर लोड ज़्यादा है, और एक चैनल देखा था अपन ने 172 का, उस पर लोड कम था, तो अपन वो फ्रीक्वेंसी वो चैनल सेट करेंगे, ठीक है। चलो 172 फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करके सेव करते हैं। ओके जैसा कि मैंने बताया था, अपन जितनी बार भी आईपी पावर या फ्रीक्वेंसी चेंज करके सेव करेंगे ये उतनी बार लिंक ब्रेक होगा और फिर से स्टेबलाइज होगा। देखो फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे अपना एमसीएस कितना हो गया है, 9-9 का हो गया है, टीएक्स रेट 192 का है, आरएसएल 46 का आ रहा है, 44 का है, ठीक है। इतना करने पे यदि इतना कर लिया है तो मतलब अपना
रेडियो का काम पूरी कमिश्निंग हो जाती है। अब चाहो इसमें होस्ट नेम डाल सेट कर सकते हैं, होस्ट नेम में अपना NAID डलता है और साइट आईडी डाल सकते हैं। ठीक है, देखो 43 का RSL चाहिए था, 45 का, 46, 49, देखो इसको अभी मैं क्या ना, मेरे पास LB है ना, सिट्रिक्स में ओपन है, तो मैं रिमोटली एक्सेस करके उसका NAID चेंज कर और साइट आईडी चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने रिमोटली एक्सेस कर रखा उसको सिट्रिक्स के थ्रू। देखो साइट नेम में साइट आईडी डाल देंगे, ओके सेव कर देंगे। देखो अभी ये जो 10.10 वाला है, इस पर तो मैंने यहाँ पे लोकली चेंज नहीं किया था, लेकिन रिमोटली चेंज किया था। रिफ्रेश किया तो उस पर भी NAID दिखने लग गई अपने को ऊपर। ठीक है, दोनों जगह दिख रही है NAID और साइट आईडी। अब अपन एक चीज़ और कर सकते हैं, और एक तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके एक ट्रैप सर्वर ऐड करते हैं SNMP में जाके, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इनेबल करना है, जस्ट सब बाय डिफॉल्ट रहने देना है और IP पेस्ट करके सेव करना है। दोनों में सेम करेंगे। एक यहाँ पे अपन सिंगल ब्राउज़र कर सकते हैं,